आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। निगाहें टिकी हुई है घड़ी पे, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और चंद घंटों बाद बड़ा खुलासा बिहार में होने जा रहा है। आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि अनंत सिंह को फरार घोषित किया गया। अनंत सिंह फरार घोषित हो गए, लेकिन 3 वीडियो दिए जिसमें उन्होंने कहा कि भागे नहीं हैं, जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करेंगे। कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद लिपि सिंह दिल्ली जाती हैं, दिल्ली से अनंत सिंह को लाती हैं, बहुत सारे कवायद शुरू होते हैं। अनंत सिंह को पटना लाया जाता है, उसके बाद पूछताछ की जाती है। फिलहाल अनंत सिंह जेल में है, लेकिन इस सब के बीच खलबली मची हुई थी और इस खलबली को मचाया था अनंत सिंह के बेहद करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि बंटू सिंह ने। बंटू सिंह ने कई खुलासे किए जिसके बाद बिहार सरकार और बिहार प्रशासन बैकफुट पर चली गई, यूँ कहे तो जनता के कटघरे में आ गई। सवाल खड़े होने लगे सुशासन पर। अब बंटू सिंह ने कल मीडिया से रूबरू होकर कहा था कि शनिवार को 3 बजे बड़ा धमाका करेंगे। लंबे समय से ये कह रहे हैं कि धमाके छुरछुरी की होगी, बीड़िया पटाखा का होगा, हाइड्रोजन बम होंगे, बहुत सारे MiG-21 का भी जिक्र किया था। लेकिन अब जब घड़ी उल्टी गिनती गिनवानी शुरू कर दी है, काउंटडाउन बिगेन है, तो जानना इनसे ज़रूरी है कि कल जब खुलासे होंगे तो गाज किन पर गिरेंगी, समस्याएं किन के लिए खड़ी होगी और इनको कितनी राहत मिलेगी। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। कल आप पीसी करने जा रहे हैं, 3 बजे आपने कहा है बड़ा खुलासा होगा। हाँ, खुलासा तो ऐसा होगा कि कितना आदमी के इस्तीफा के झड़ी लग जाएगा। हाँ, ये बता देते हैं, मगर अगर इसका सही जांच होगा तब। काहे कि अभी तक देख आप लोग मीडिया बंधु भी देख रहे हैं कि इतना 47 का जखीरा दिखाया गया, उसके बाद इतना गाड़ी में हथियार दिखाया गया, सब कुछ जो है सो कि साक्ष्य दे दिया गया, उसके बाद भी अभी तक विवेका पहलवान पर FIR नहीं हुआ। कितने बड़े सवालिया निशान हैं ये, कितने बड़े सवालिया निशान हैं कि अभी तक विवेका पहलवान पर FIR नहीं हुआ। तो कल जो हम तो करवे करेंगे शनिवार को 3 बजे, आप ही का चैनल बार बार बोलता है कि 3 बजे, बार बार 3 ही बजे बंटू जी प्रेस कॉन पर धमाका करते हैं, तो कल 3 बजे फिर आप लोग देखिएगा। अब उससे भाई नीतीश जी का माने कि कहाँ USPA है और कहाँ चला गया उनका सब कुछ, जो कभी तेजस्वी यादव को बोला करते थे कि हम इसके चलते उनसे अलग हो गए, ई हो गए, वो हो गए, अब तो सारा सबूत दे दिए, दे रहे हैं भी कि आपके मंत्री, आपके सांसद सारे क्रिमिनलों के साथ पूरे अपराधियों में गठजोड़ है। इस कोर्ट में क्यों नहीं गुहार लगा रहे, सबूत आप लगातार दे? कोर्ट में तो सब सबूत हो रहा है ना, हड़बड़ के काम नहीं करेंगे, जैसे ये लोग बिहार पुलिस कर रही है। हड़बड़ में कल देखबे किए कि कहाँ हैदराबाद भेजे हैं और अपने पुलिसवा से अपने जांच करा के तुरंत जो है अपने मोहर लगा के भेज दिया। जांच कराता ना, काहे नहीं जांच करा रहा है रे भाई, हम तो बार बार बोल रहे हैं। पटाखा सूखने के लिए आप डाल दिए थे, कह रहे थे धमाका बड़ा होगा, कल कौन कौन सा पटाखा होगा? कल पटाखा एक के दिन एक को ना छोड़ेंगे। कल है जो अभिनंदन जी वाला है MiG-20, वह वाला छोड़ेंगे कल। आप लोग मीडिया बंधु के सामने सब 3 बजे आ जाइएगा, हम दिखाएंगे अब कितना घंटा बचल है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को कोई जदयू के प्रवक्ता नहीं मिल रहे हैं कि, और या पुलिस पदाधिकारी की, क्यों यहाँ का एफसीएल रिपोर्ट पेश किया गया? हैदराबाद बोला गया था, हैदराबाद वाला रिपोर्ट कहाँ है? उन लोग कोई इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग मीडिया बंधु बताइए, काहे नहीं कोई जवाब दे रहे हैं रे भाई? इस जवाब को हम जरूर खोजेंगे, आगे जाके जरूर पूछेंगे। आखिरी सवाल लेते हैं, कल जब 3 बजेगा तो डॉक्टर होंगे कि जो खुलासे कर रहे थे आपके लिए वो हों? अब तो भाई यो अभी हम बताएंगे नहीं, हम तो बताइए दिए हैं कि बहुत डॉक्टर लोग नीतीश जी रखते हैं, उन्हीं लोग का है, डॉक्टरे लोग के बारे में है भाई, कि कैसे डॉक्टर लोग जो है कैसे सेटिंग करते हैं और कैसे अपराधी बनाते हैं, वो देख लीजिएगा कल आप। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।